प्यारे बच्चों, आप सभी का डांस क्लासेस में स्वागत है। मैं पंडित दिलीप तिवारी आज आप सभी को अपौर्तनांकों के बीच के संबंध में बताएंगे। पिछले भी वीडियो में एक बताए थे कि अपौर्तनांकों के बीच में संबंध कैसे होते हैं। पहले हम दो माध्यम में बताए थे, जैसे मान लेते थे कि एक आपका वाल हुआ करता था और दूसरा आपका माध्यम हुआ करता था कि या जैसे कांच ले ले, जल ले ले, इसमें जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती थी, इसके बारे में हमें बताया था कि कैसे क्या होगा। इसमें हम आपको बताए थे कि कैसे पॉजिटिव हो, आपका क्या है, ये पहला माध्यम है और ये आपका दूसरा माध्यम है। तो पहले सब एक दूसरे के हम क्या वन एन टू बराबर एन टू अपान एन वन निकालते थे, ऐसे निकालते थे या ऐसे हम कर देते थे कि ये आपका क्या होता है कि आपतन कोण आई हो जाता और ये आपका अपवर्तन कोण आर हो जाता है। इस दशा में भी निकालते थे क्या चीज वन एन टू बराबर होता था साइन आई बटे में क्या होता था साइन आर होता था। उसके बाद बताए थे कि टू एन वन जब निकालेंगे क्या चीज टू एन वन जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि साइन आर बटे में साइन आई। अब दोनों का गुणनफल निकालते थे तो वन एन टू इन टू टू एन वन जो होगा यह साइन आई बटे में साइन आर इंटू साइन, देखिए साइन आई बटे में साइन आर हो गया या फिर क्या हो जाएगा साइन आर बटे में साइन आई। जब इसको हम कटा देते थे इसे ये कट जाएगा तो क्या आता था कि वन एन टू इंटू टू एन वन बराबर वन आता था। ऐसे जब हम निकालते थे तो निकल कर क्या जाता था, ये आता था क्या वन एन टू जो होगा वन अपान टू एन वन के बराबर होगा, या तो ये निकल कर आएगा या टू एन वन जो होगा वन अपान वन एन टू, ये इस प्रकार से निकल कर आ सकता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि जब आपके तीन माध्यम हो, तीन माध्यम कहने का मतलब ये है वायु से जल में जा रही हो, जल से कांच में जा रही हो, उस हिसाब से कैसे क्या हो। जैसे मान लेते हैं कि एक माध्यम बनाते हैं, जैसे ये आपका हो गया, ध्यान दीजिए थोड़ा इस पे क्योंकि कहीं बताया नहीं जाता, ये दो माध्यम हो गया, एक आपका ये जल हो गया, ये आपका क्या हो गया जल हो गया, यह आपका क्या है यह आपका कांच है और यह एक आपका माध्यम क्या है वायु है, मतलब यह आपका वायु है, यह आपका जल है और यह आपका कांच है। इस तरह आपके सिर्फ तीन माध्यम हो गए। जब कोई प्रकाश की किरण इस माध्यम से मतलब वायु से कहां जाएगी जल में जाएगी तो पहले अपवर्तित होगी या अपवर्तित हो गई, यह आपका आई हो जाएगा और यह आपका क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। फिर यहां से आप देखेंगे यह प्रकाश की किरण यहां से फिर अब इधर निकलेगी, फिर आप देखेंगे कि यहां पे आपका अपवर्तित हो गई और फिर जैसे ही यहां पर आई यहां से फिर आपकी क्या हो जाती है प्रकाश की किरण, इसको इधर जाना चाहिए तो फिर कहीं इधर आपका क्या हो जाती है विचलित होकर निकल जाती है। आप देख रहे हैं कि पहले में क्या आई फिर आर हुआ, ठीक है, मतलब यह आपतन कोण हुआ या अपवर्तन कोण हुआ। फिर आप देख रहे हैं कि यहां से आप अपवर्तित हो रही है और अपवर्तित होने के बाद यह आपका आर डैश होता है, ये इसको आर लेते तो यह आपका क्या हो जाएगा आर डैश हो जाएगा, जब ये आर डैश लेते हैं तो यह आपका क्या हो जाएगा यह आई हो जाएगा। इस तरह से आपके प्रकाश की किरण क्या होगी, एक बार जब वायु से जल में गई अपवर्तित हुई, फिर जल से कांच में गई तो अपवर्तित हुई, फिर कांच से वायु में गई तो अपवर्तित हुई, मतलब इसका देखिए कितने बार अपवर्तन हो रहा है, तीन माध्यमों के लिए हो रहा है, पहले वायु में हुआ फिर जल से हुआ फिर कांच से हुआ। तो जैसे हम बताए हैं कि पहले के सापेक्ष दूसरे का, दूसरे के सापेक्ष पहले का, जैसे माने वायु है, इसके लिए लिखना हो तो लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे कि ए ए एन डब्लू, मतलब वायु के सापेक्ष जल का, वायु के सापेक्ष जल का जब निकालेंगे यह क्या होगा साइन आई बटे में
साइन आर होगा, मतलब आई है और ये क्या है आपका आर है, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, तो अब इसमें क्या होगा कि अब हमको निकालना क्या है कि जल के सापेक्ष कांच का, जल के सापेक्ष कांच का, तो लिखेंगे डब्ल्यू एन जी, या आपका क्या होगा जब डब्ल्यू एन जी की बात आएगी तो इसमें लिखेंगे कि साइन आर, ये क्या है आपका आर है, साइन आर बटे में साइन आर डैश, ये आपका क्या है आर डैश, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि अब ये जैसे ये कांच में आया, अब कांच से फिर कहां जा रहा है वाई में जा रहा है, इसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा, तो जी एन डब्ल्यू या जी एन वाई में जा रहा है ना, तो जी एन ए इसके लिए निकालेंगे तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा कि साइन आर डैश बटे में साइन आर जा रहा है, क्यों, क्योंकि अब ये वो एक आपका कांच से सीधे क्या हो रहा है वाई में निकल रहा है। अब तीनों को जो हम लेकर करेंगे, मान लेते हैं कि समीकरण नंबर एक है, ये समीकरण नंबर दो है और ये समीकरण नंबर तीन है, लिखेंगे कि समीकरण एक दो और तीन को गुणा किया जाए, बताइए जब गुणा किया जाए तो अब लेते हैं तो ए एन डब्ल्यू, ये आपका ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी, डब्ल्यू एन जी हो गया इंटू जी एन ए हो गया बराबर, अब बताइए ए एन डब्ल्यू का के साइन आई बटे में साइन आर, साइन आई बटे में साइन आर हो जाएगा इंटू डब्ल्यू एन जी, डब्ल्यू एन जी का क्या साइन आर बटे में साइन आर डैश, साइन आर बटे में साइन आर डैश इंटू, देखिए जी एन ए मतलब ग्लास से वाई के लिए, मतलब ग्लास के सापेक्ष वाई का साइन आर डैश बटे में साइन आई, लिखे हैं साइन आर डैश बटे में साइन आई लिखे। अब बताइए कि साइन आई से साइन आई कट गया, साइन आर से साइन आर कट गया, साइन आर डैश से साइन आर डैश कट गया, जब पूरा कट गया तो निकल सकता है कि ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन ए जो होगा ये कितने के बराबर होगा, एक के बराबर होगा, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात आप इसमें ये याद रखेंगे कि जब हम इसका गुणांक निकाल सकते तो ये भी लिख सकते हैं कि ए एन W जो होगा क्या चीज, ए एन डब्ल्यू मतलब ये y से कहां जन्म जा रहा होगा, ए एन डब्ल्यू जो होगा यह वन अपॉन किसके बराबर होगा, तो डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन ए, क्या लिखेंगे डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन ए, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, ये किसी के सापेक्ष हम लोग निकाल सकते हैं, जिस आपसे कह दिया जाए कि कांच के सापेक्ष से निकालिए तो कांच के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे पीछे का वैसे वैसे हम क्या करेंगे इसको रखेंगे और हल करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा इसको मिटाकर आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम लिख सकते हैं, जैसे इसको लिखे तो इसको लिखेंगे डब्ल्यू एन जी बराबर, और किसके पर डब्ल्यू मतलब इसमें हम देख रहे हैं कि हम ये किसके जल के सापेक्ष कांच का, जब डब्ल्यू एन जी लिखना होगा हम सीधे सीधे कहते हैं कि वन अपान लिखेंगे ए एन डब्ल्यू इंटू ए एन डब्ल्यू इंटू जी एन ए, इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और आगे चलेंगे तो आप एक चीज जानते होंगे कि ए एन जी, क्या चीज, ए एन जी और डब्ल्यू एन जी ये दोनों का रिलेशन निकालेंगे तो देख सकते हैं हम लोग सीधा सीधा कि वन अपान जी एन ए बराबर ए एन जी, क्योंकि पिछले सूत्र में हम इसको बताया जब इसको हम लिख सकते हैं कि जी एन ए जो होगा ये क्या होगा ए एन जी के व्युत्क्रम होगा, यहां से एक चीज ये लिखा जा सकता है कि डब्ल्यू एन जी जो होगा, डब्ल्यू एन जी जो होगा ये किसके अनुपात के, तो ए एन जी इसके ए एन जी बटे में क्या हो जाएगा जी एन ए,
GMA, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और जैसे आपका अगर और कुछ भी दिया है उसमें, आप उसको सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, रख के निकाल सकते हैं। थोड़ा इसको और थोड़ा अच्छे से लिखना आप चाहेंगे तो इसको ऐसे न लिख कर आप सीधा सीधा इस प्रकार से लिखिए। हम आपको बता रहे हैं, एक मिनट हम मिटा लें। इसको इस प्रकार से देखेंगे कि डब्ल्यू एम जी जो होगा, क्या चीज वो, ये डब्ल्यू क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक के लिए आपको निकालना हो, किसके, जल के सापेक्ष कांच का। इसको आप देखेंगे कि ए एम जी मतलब वायु के सापेक्ष कांच का बटे में वायु के सापेक्ष जल का। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया होगा तो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं उदाहरण कैसे किया जाता है। जैसे हम बताए थे आपको पीछे कि ये आपका इस प्रकार से दिया, तीन माध्यम है, एक आपका क्या है वायु है, एक आपका जल है और एक आपका क्या है कांच। वायु के सापेक्ष जल के सापेक्ष कांच और कांच के सापेक्ष वायु, तीन माध्यम हो। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, ये कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल का, मतलब कि ए एम डब्ल्यू, ये आपका कितना डब्ल्यू का मतलब वाटर, ये आपका दिया है 4/3। फिर कह रहा है तथा कांच के, मतलब आपका ये कह रहा है कि ए एन मतलब वायु के सापेक्ष कांच का, तो ए एन आपका क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, और ये आपका दिया है 3/2, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि जल के सापेक्ष कांच का कितना होगा, मतलब कि डब्ल्यू एम जी का मान कितना होगा। अब तो रिलेशन निकालेंगे तो ए एन, ए एन क्या होता है डब्ल्यू, ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी, डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन ए, जी एन ए कितने के बराबर होता है, एक के बराबर होता है। लेकिन आप देख रहे हैं क्या ए एन जी दिया है, ए एन जी दिया है, मतलब सीधे सीधे यहां से यहां ये ले दिया है। तब इसमें हम क्या करेंगे, इसको जब चेंज करेंगे तो यह हमारा जी एन ए जो निकल कर आएगा इसका ठीक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम रखेंगे तो ए एन डब्ल्यू का मान कितना है, 4/3 इंटू डब्ल्यू एन जी, ये तो आपको ज्ञात करना है। जी एन ए अभी इसको उल्टा रखिए ना, जी एन ए ये कितना है आपका 2/3 बराबर है, इसको जब गुणा करेंगे तो 4×8/9 इंटू डब्ल्यू एन जी बराबर है। इसको थोड़ा इधर से करेंगे तो क्या होगा, डब्ल्यू एन जी 1/9, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/9, 9 ऊपर चला जाएगा तो डब्ल्यू एन जी जो आपका आएगा यह 9/ क्या जाएगा 8/9, यही आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। अब थोड़ा देखेंगे आगे क्रांति कोण क्या होता है।